दिख रहा है क्या? कन्याकुमारी 950 किलोमीटर। लाइक अगर मैंने इतना ही राइड कर लिया तो इंडिया के साउथ के कोने पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे इंडिया खत्म होता है। तो अभी एक छोटा सी पानी ब्रेक लिया है मैंने। अभी तक राइड तो बहुत अच्छी जा रही है, सही है। माय गॉड, क्या कोस्टल लोड है ये यार, एक नंबर। ऐसा तो राइड मिले तो मजा जावे यार। यहाँ पे आसपास में कोई होटल लेके रुक जाते मैं तो बोलता हूँ। एकदम दरिया, एकदम लग के, एकदम लग चुके दरिया। बहुत बास है, लगता कोई जानवर मरा है यार। एक टोल गेट बहुत टाइम के बाद है, जबरदस्त नजारा है, जबरदस्त। पूरा कोस्टल रोड कवर कर रहे हैं, जैसा मुंह पे धूल मट्टी आ रही है, लेकिन नजारा तो जबरदस्त है। बहुत टाइम के बाद कोई एक छोटा सी गांव आया है यहाँ पे। छोटा सी नहीं, अच्छा खासा गांव है। बैंक से यहाँ पे फ्रूट्स वाले सब है। अच्छा खासा गांव है, पता नहीं ये कौन सा गांव है। ऐसे छोटे छोटे गांव आते तो बहुत अच्छा लगता है। बीच में थोड़ी देर के बाद वापस ये गायब हो जाएगा, 1-2 किलोमीटर तक रहेगा, तो फिर वापस चले जाएंगे। तो फाइनली अभी रोड अच्छा हो गया है। यही ऐसा ही रोड चाहिए ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच पाए और हमारी बाइक भी सलामत रहे। अभी कर्नाटका में पता नहीं कौन से तो छोटे सी गांव आया है, वहाँ पे हम लोग 5 मिनट के लिए रुके। वहाँ पे यहाँ पे केले वाला है, तो छोटा सी केला, मतलब एक दर्जन केला ले लेते हैं, यहाँ पे खाएंगे क्योंकि लंच नहीं किए हमने। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी सीनरी, यहाँ पे जगह जगह पे देख रहे हो ना, जगह जगह पे ये ऐसा है ना, फ्रेश वाटर बैंक है, सही लगता है ये सब। एक दर्जन 30 रुपीज पर दर्जन, वही ले रहा हूँ मैं। इतने छोटे छोटे के लिए फटफट ख़त्म कर देंगे। रुपेश वो साइड पे है और ये एक छोटा सा गांव है। ये गांव का नाम क्या है? क्या? आडिम्बाड़। ये केले जो है मुझे 30 रुपये के पड़े, 12 एक दर्जन मतलब। एंड ओडिम्बा ये गांव का नाम है, ओडिम्बा। जस्ट मेरे को यहाँ पे ये दिखा है, पता नहीं क्या चीज़ के। हाँ दे 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 वो एक उसको दे, उसको दे। आ!
एक पिक्चर लेना पिक्चर। नहीं क्या कर रहे? अभी ऐसे गप कर रहा था। पानी पी दो। अभी एक्चुअली कौन सा गांव है यार, ये पता नहीं कौन सा गांव है, बट यहाँ पे अभी नारियल पानी पी रहे और थक गए। यहाँ पे देख लेता हूँ एकदम यहाँ पे लग के ही है। तू पिएगा क्या नारियल पानी? मैं तो एक पी रहा हूँ। ये पता नहीं ये उंगली में क्या हो रहा है, छोटा सी गाँव है। ओ नारियल पानी आ गया। हे ब्रदर थैंक यू। जबरदस्त व्यू है भाई, जबरदस्त व्यू। देख रो भाई कितना देर है, देख रो कि ऐसा पूरा अभी कम से कम 2-3 घंटा यही चलने वाला है। ये पता नहीं कौन सा शहर है, लेकिन बहुत अभी बहुत टाइम से ना मैं अंधेरे रोड पे बाइक चला रहा था, अचानक से ये शहर आ गया। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकान है, जैसे कि हम नॉर्मल शहरों में रहते हैं, देख के अच्छा लग रहा है। कब से पता कर रहा हूँ ये शहर कौन सा है, यहाँ पे बोर्ड में नाम भी मुझे समझ में नहीं आता है। सागर ब्रांच, अच्छा ये सागर है। आप उन सही जा रहे ना रुपेश, बेचो से गली गली से लेके जा रहा है गूगल मैप सीधा ना सीधा सागर। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं भी नहीं था। अभी 5 मिनट पहले मेरे पास कैमरा नहीं था, मैंने अभी जस्ट कैमरा लगाया। 5 मिनट पहले है ना सुनसान रास्ता था, अंधेरा अंधेरा वाला, और अभी देखो रुपेश बेटा यही है ना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सीधा सीधा क्या, थोड़ी देर रुक जा भोसड़ी वाले, थोड़ी देर रुक जा, जाने दे हम लोग तो। देख रहे हो बॉस कितना अंधेरा है यार, मेरे को डर लगती है ऐसा अंधेरे में बाइक चलाने के लिए। और अपनी ये क्या और अपने बाइक की लाइट भी इतनी पावरफुल नहीं है ना, इसलिए एक बहुत ही गंदा रॉन्ग टर्न ले लिए थे। अभी पता नहीं ये कौन सी अंडू गुंडू होटल है, यहाँ पे आके चाय पीने का मन कर रहा है। कम से कम ये जो रॉन्ग टर्न था ना हमारा, ये तकरीबन था अगर रिटर्न में देखेंगे तो 17 किलोमीटर का तो रॉन्ग टर्न रह गए। बहुत गंदा रॉन्ग टर्न था, बहुत गंदा। तो अभी चलो देखते हैं। तो मैंने चाय पिया, अरे सॉरी मैंने कॉफ़ी पिया, रुपेश ने चाय पिया। ये पता नहीं कौन सा होटल है, हम यहाँ पे आए हैं, कोई मद्रासी का होटल है। आंटी कितना हुआ है? 20 रुपया 24। बोलते जा रहा था लेकिन कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ था कि अभी हम तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है चिकमंगलुरु से, 1.5 आवर लगेगा अगर अब मैं अभी भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँ। बट हमें अभी यहाँ पे ही रुकना है एंड यहाँ पे ही ओयो या किसी और से हम होटल बुक करेंगे। एंड रुपेश को भी किसी भी तरह होटल पे जाना है, क्या बोलता है? हालत ख़राब है अभी इसकी, किसी भी तरह इसको होटल में जाना है। रात को ये बहुत डर जाता है, तो चलो अभी यहाँ पे मैं ओयो से या तो फिर लोकल से कोई होटल बुक कर लेता हूँ। अभी डायरेक्टली होटल में ही मिलते हैं।
सो राइट नाउ मैंने ओयो से होटल बुक कर दिया है। ये अंतरपुरा के पूरा एक शहर है, वो शहर के अंदर आए हैं हम अभी। एंड अभी कितना दूर है ओयो से होटल? 3.7 किलो, मतलब वैसे तो 7 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर ट्रैवल कर, 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी 3.7 किलोमीटर दूर है ये होटल। अभी आपको होटल का ही दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत शहर भी दिखा देता हूँ। ओयो का होटल है जो हमने बुक किया है 760 रुपीज़ में एक नाइट के लिए। सामने एक ये छोटा सी लाइक ठेला है, पता नहीं वो क्या बेच रहा है, कुछ खाने का है, रोटी वोटी तल रहा था। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअली वो है क्या चीज़। खाने के लिए क्या क्या है अंकल? अंडर राइस मच्छी कबाब। कबाब पराठा कितने का है? राइस कबाब पराठा नहीं, कितने का है कबाब पराठा कितने का है? हाउ मच? तो यहाँ से कबाब पराठा 60 रुपए का है, तो वो ऑर्डर किया है मैंने कबाब पराठा। अभी देखते कैसा है, अच्छा लगा तो और खाएंगे, और नहीं अच्छा लगा तो कोई रास्ता नहीं है बॉस, ट्रिप पे निकले हैं ना, तो जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा डूड। तो अभी एक श्री अंजनिया करके होटल बुक कर दिया हमने ओयो से, एंड इट विल टेक अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर टू पीपल्स। फाइनली ये रूम के अंदर आ गए, तो इस टाइप का रूम है, थोड़ा सी अंधेरा है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक रात के लिए 1000 रुपये के अंदर क्या करें, बेड 1000 रुपया देना पड़ रहा है ये रूम का। बट काफ़ी भी मिल नहीं रहा था, मैंने पूरे शहर में चेक किया, बट चलो अभी देखते, एक ही रात गुजारनी है, उसके बाद कल चिकमंगलूर चले जाएंगे। चिकमंगलूर का रूम मैं मोस्ट प्रोबेबली देखता हूँ आज, नहीं तो एक दो दिन में, मतलब कल तक तो बुक ही कर लूँगा मैं। अभी इसका ब्लॉगिंग शुरू होगा। इट्स ऑलमोस्ट 2 PM, सॉरी 2 AM एट नाइट। आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, एंड आज का दिन ज़्यादा हेडेक तो नहीं था, बस ट्रैवलिंग के अंदर गया, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत नज़ारे देखने मिले। गोवा टू कर्नाटका का जो रोड है, स्पेशली कर्नाटका का रोड और गोवा के बीच बहुत ज़बरदस्त है। आज के दिन बहुत कुछ नया देखने मिला, एंड एक नया चैप्टर था मेरी लाइफ का जो बहुत ही खूबसूरत गया। एंड 100 किलोमीटर बचे चिकमंगलूर के अंदर, जो हम कल तो डेफिनेटली कर देंगे 1.5 घंटे के अंदर। एंड चलो आप फिर आपसे कल ही मिलते, गुड नाइट। एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर ज़रूर आइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाऊंगा। चलो बाय।